हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। मीन्स हम प्राइमरी डेटा को जब कलेक्ट करते हैं तो हम क्या क्या मेथड्स उसमें यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर मैंने आपको डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एक्सप्लेन किया था, देन मैंने आपको इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन एक्सप्लेन किया था। नंबर थर्ड हमने मेथड स्टडी किया था इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स और कॉरेस्पॉन्डेंट्स, एंड नंबर फोर हमने डिस्कस किया था इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनायर एंड शेड्यूल। आफ्टर डैट मैंने आपको क्वेश्चनायर की क्वालिटीज़ के बारे में बताया था। और जब हम क्वेश्चनायर मेथड को यूज़ करते हैं तो उसमें हमारे दो होते हैं, मेलिंग मेथड और इन्यूमरेटर मेथड, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। मीन्स जब सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट किया जाता है तो वो कौन कौन से सोर्सेज के थ्रू कलेक्ट किया जा सकता है। सो मेनली देर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। हमें ये पता है कि सेकेंडरी डेटा जो होता है वो सेकेंड हैंड डेटा होता है जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका होता है या ऑलरेडी किसी और इंक्वायरी के लिए कलेक्ट किया जा चुका है, और अब हम उस डेटा को अपने इंक्वायरी या अपने इन्वेस्टिगेशन में यूज़ करने वाले हैं। तो हम वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हम सेकेंड डेटा को ऑब्टेन कर सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ सेकेंड डेटा, देर आर टू सोर्सेज, पब्लिश सोर्सेज एंड अनपब्लिश सोर्सेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, और पहले हम स्टडी करते हैं पब्लिश सोर्सेज के बारे में। सो हियर वी आर डिस्कसिंग सम ऑफ द पब्लिश सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। नंबर वन इज गवर्नमेंट पब्लिकेशन। सो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट पब्लिश करंट इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद स्टैटिकल फैक्ट्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। नोटेबल एग्जाम्पल्स ऑफ सच पब्लिकेशंस आर एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडियन ट्रेड जर्नल्स, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, RBI बुलेटिन, लेबर गैजेट एक्सेट्रा। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो कि गवर्नमेंट पब्लिकेशन के थ्रू एवरी ईयर पब्लिश किए जाते हैं। अब गवर्नमेंट अपने प्रोग्राम्स और पॉलिसीज बनाने के लिए सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है डिफरेंट टाइम्स पे। ये हमारे लिए एक सेकेंडरी डेटा हो सकता है जिसको हम अपने इंक्वायरी में यूज़ कर सकते हैं। नंबर टू इज सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। होती तो गवर्नमेंट के अंडर में ही है, बट दीज आर स्टेट और सेंटर से अलग होती हैं। दीज आर म्यूनसिपलिटीज एंड मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स पब्लिश इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हेल्थ, बर्थ, डेथ, एजुकेशन, सैनिटेशन एक्सेट्रा। तो जैसे सिटीज़ में नगर निगम होती हैं या मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स होती हैं, वो भी टाइम टू टाइम कुछ डेटा कलेक्ट करती रहती हैं, तो वो भी उन डेटा को पब्लिश करती है टाइम टू टाइम। वो डेटा भी हम अपनी स्टडीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं बिकॉज वो ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका होता है। तो we can say that is the example of secondary data. Number third is report of committees and commissions. कुछ inquiries को लेके government अपने department से वो inquiries ना करा के committees या फिर commissions को appoint करती है। ये committees या commissions उस particular inquiry को लेके data collect करते हैं और फिर उसको publish करते हैं। Report of the tariff कमीशंस, रिपोर्ट ऑफ द प्लानिंग कमीशंस इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट इज पब्लिकेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो इंटरनेशनल वर्क करती हैं, उनके भी जर्नल्स प्रेस होते हैं या फिर पब्लिश होते हैं, वो भी दे आल्सो कंसिडर एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। सो दीज आर जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, IMF, वर्ल्ड बैंक है, दे आर सम सोर्स ऑफ पब्लिश सेकेंडरी डेटा। नंबर फाइव इज पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। सो वेरियस यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन पब्लिश इंफॉर्मेशन एज फाइंडिंग ऑफ देयर रिसर्च एक्टिविटीज़। हाँ, तो हमारे यहाँ से इंडिया में अगर हम एग्जांपल लें तो कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपने डेटा को पब्लिश करते हैं, पहले उनको इंक्वायरी करते हैं, कलेक्ट करते हैं। दे आर इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च पब्लिश है, ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, या फाउंडेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक रिसर्च, ये एग्जाम्पल है पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। इसके अलावा पब्लिश सोर्सेज हैं उसमें जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स आ जाते हैं। तो
तो मैं न्यूज़पेपर सच एज़ द इकोनॉमिक टाइम्स या कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, एज वेल एज मैगजीन सच एज कॉमर्स फैक्ट फॉर यू, ये भी कुछ एग्जांपल्स हैं मैगजीन्स के जो आल्सो सप्लाई अ लार्ज वैरायटी ऑफ स्टैटिकल इंफॉर्मेशन। एंड द लास्ट इज एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। सो जो कंपनीज जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं वो भी एनुअली अपनी रिपोर्ट, जिसको बैलेंस शीट है या फिर उनका अकाउंट डिटेल है, वो पब्लिश करता है, जो कि जर्नल्स के थ्रू या न्यूज़पेपर्स के थ्रू आम आदमी के पास तक पहुंचता है। वो रिपोर्ट्स या जर्नल्स को जो कि एनुअल रिपोर्ट की तरह से पब्लिश होती हैं न्यूज़पेपर्स में, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं एज अ सेकेंडरी डेटा। नाउ लेट वी डिस्कस द अनपब्लिश सोर्सेज। सो देर आर सम अनपब्लिश सेकेंडरी डेटा एज वेल। दिस डेटा आर कलेक्टेड बाई द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर्स। तो ये अनपब्लिश सोर्सेज मतलब जो पब्लिश नहीं हुआ हो थ्रू द न्यूज़पेपर हो या मैगजीन्स में, या फिर उनके एनुअल रिपोर्ट जो होती है वो कहीं पे पब्लिश ना हुआ हो, ये ऐसा डेटा होता है। और ये डेटा क्या करती हैं, जो ऑफिसेज होते हैं वो अपने सेल्फ यूज़ के लिए, फॉर देयर सेल्फ यूज़ के लिए कलेक्ट करते हैं। दीज डेटा आर नॉट पब्लिश्ड। ये डेटा पब्लिश नहीं होता है। दीज अनपब्लिश्ड न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन में हाउएवर बी यूज्ड एज ए सेकेंडरी डेटा। तो हम इसको भी सेकेंडरी डेटा के तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये अनपब्लिश डेटा है तो ये हमें उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस के रिकॉर्ड से ही मिलता है। द कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा जो हमने पढ़ा, दो तरीके का हो सकता है। इसके सोर्सेज पब्लिश सोर्सेज होते हैं और नंबर टू अनपब्लिश सोर्सेज। नाउ लेट वी डिस्कस टू इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। नंबर वन है सेंसस ऑफ इंडिया एंड रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो ये दो सोर्स हैं सेकेंडरी डेटा के जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और ये तो नंबर वन जो इम्पोर्टेंट सोर्स है सेकेंडरी डेटा का वो है सेंसस ऑफ इंडिया। ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सेंसस ऑफ इंडिया इन ए डिसेनियल पब्लिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज़ पब्लिश्ड बाय रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। इट इज़ अ वेरी कॉम्प्रहेंसिव सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। इट रिलेट्स टू पॉपुलेशन साइज, क्योंकि ये जनगणना के थ्रू डेटा कलेक्ट करता है तो ये पॉपुलेशन साइज को बताता है। एंड द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डेमोग्राफिक चेंजेस। डेमोग्राफिक चेंजेस होते हैं रिलेटेड टू बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इस तरह के जो रेट्स होते हैं उसको ये हमारे जो इंडिया के अंदर है उनको डिस्क्राइब करता है। ब्रॉडली इट इंक्लूड्स स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर्स। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो सेंसस ऑफ इंडिया जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसके ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं। नंबर वन साइज, ग्रोथ रेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। तो ये बताता है कि क्या साइज है हमारे यहाँ पॉपुलेशन का, कितने ग्रोथ रेट से वो इंक्रीज हो रही है पर ईयर, और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन किस तरह से है इंडिया में, रूरल एरियाज में कितना डिस्ट्रीब्यूशन है और अर्बन एरियाज में कितना डिस्ट्रीब्यूशन है। नंबर टू पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, पॉपुलेशन किस तरह से प्रोजेक्ट हो रही है, इट इज़ इंक्रीज ईयर बाय ईयर और इट विल बी नॉट इंक्रीजेज, ये इस तरह का जो प्रोजेक्शन है वो भी डिस्क्राइब करता है। नंबर थर्ड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब किस एरियाज में जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू द एरिया। तो एरिया के अकॉर्डिंग जब हम नंबर ऑफ पर्सन्स फाइंड करते हैं डेट इज़ नोन एज डेंसिटी। तो डेंसिटी को भी शो करता है डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट विलेजेस में क्या डेंसिटी है। नंबर फोर सेक्स कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, मींस हमारे यहाँ मेल और फीमेल का क्या रेशो है, वो भी सेंसस ऑफ इंडिया जो डाटा कलेक्ट करता है उसके थ्रू, पैरामीटर्स के थ्रू ये निकल के आता है। और नंबर फाइव इज़ स्टेट ऑफ लिटरेसी, मींस लिटरेसी रेट कितना है। ये लिटरेसी रेट को भी शो करता है। लिटरेसी रेट डिफरेंट नेट अटेंड रेशो के थ्रू आ सकता है, और आपका जो एडल्ट लिटरेसी रेट है वो बताता है, डिफरेंट लिटरेसी रेट्स बताता है। सो इन्फॉर्मेशन ऑन दिस पैरामीटर रिलेट्स टू कंट्री एज अ होल एज वेल एज डिफरेंट स्टेट्स। तो ये पूरी कंट्री की एज ए होल भी बताएगा और साथ में डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज यूटीज जिनको कहते हैं हमारी कंट्री की, उनको भी ये डिस्क्राइब करता है। So as the name suggests, Census of India, it comprehensive inquiry on population size and the related parameters of change covering each and every household of the country. तो हम कह सकते हैं कि Census of India जो है वो एक comprehensive inquiry है जो कि हमारे population size और related parameters इसको cover करती है। ये related parameters मैंने बताया आपको, इसको cover करती है
और जब ये कवर करती है तो इसके अंदर ईच एंड एवरी हाउस होल्ड, ईच एंड एवरी पर्सन हमारे कंट्री का काउंट होता है. सो इट गिव द वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. नंबर टू इज रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जिसको NSSO भी कहते हैं. तो इट इज अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा इन इंडिया. NSSO इज ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. तो ये जो वर्क करती है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में वर्क करती है. दिस ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट रेगुलर सैंपल सर्वे टू कलेक्ट बेसिक स्टैटिकल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ वैरायटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन रूरल एज वेल एज अर्बन पार्ट्स ऑफ द कंट्री. तो जब ये कलेक्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, तो इनके लिए तो वो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा ही है, लेकिन जब इस पब्लिश डेटा को हम यूज़ करते हैं तब ये सोर्स बन जाता है सेकेंडरी डेटा का. सो ये जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जो कि वैरायटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो, दोनों को शो करती है हमारी कंट्री की. फॉर एग्जांपल द 72 राउंड ऑफ NSSO सर्वे जो हुआ था वो जुलाई 2014 से जून 2015 के बीच हुआ था, जो कि था कंजप्शन एक्सपेंडिचर, डोमेस्टिक टूरिज्म और हाउस होल्ड कंजप्शन को लेके. और हाउस होल्ड कंजप्शन किस चीज़ का? ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज का. ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज वो लॉन्ग टाइम तक यूज़ की जाती है, जिनकी लाइफ जो होती है वो ड्यूरेबल होती है, सच एज डिफरेंट होम अप्लायंसेज एंड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज. अब क्या क्या पैरामीटर थे NSSO ने जो डेटा कलेक्ट किया? उसमें थे लैंड एंड लाइफ स्टॉक होल्डिंग्स, कि हमारे यहाँ इंडिया के अंदर कितनी लैंड है और कितनी लाइफ स्टॉक होल्डिंग्स. नंबर टू हाउसिंग कंडीशंस एंड माइग्रेशन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन स्लम डेवलपर्स. तो हमारे यहाँ हाउसिंग कंडीशंस कैसी है, साथ में कौन ज़्यादा, साथ में ये भी सर्च किया गया कि माइग्रेशन कितना है, मतलब रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में लोग वर्क को लेके कितने परसेंट माइग्रेट होते हैं ईच ईयर. फिर था एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस इन इंडिया, ये जानने के लिए किस एरिया के अंदर रूरल या अर्बन में कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेशो है और कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, ये सारी डिटेल निकाली. फिर एक कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इन इंडिया, इंक्लूडिंग लेवल एंड पैटर्न ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑफ डाइवर्स कैटेगरीज ऑफ द पीपल. क्या पैटर्न है हमारे यहाँ एक्सपेंडिचर का, कौन कंज्यूमर कितना एक्सपेंडिचर्स करते हैं अपने इनकम को लेकर और कितना सेव करते हैं, वो सारी डिटेल भी NSSO के थ्रू ही कलेक्ट की गई या पब्लिश की गई. और लास्ट इज सोर्स ऑफ हाउस होल्ड इनकम इन इंडिया, तो हाउस होल्ड्स की हमारे यहाँ क्या इनकम है और क्या क्या उसके सोर्सेज हैं, वो सारी डिटेल भी पता की गई. मतलब कौन से हाउस होल्ड्स हैं जो आपके सेल्फ एम्प्लॉयड्स हैं, कितने हाउस होल्ड जो हैं बिजनेस रिलेटेड हैं, कितने हाउस होल्ड्स की इनकम है वो लेबर के थ्रू आती है, ये सारी डेटा कलेक्ट की गई बाय द NSSO. तो अनलाइक सेंसस ऑफ इंडिया, रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे आर बेस्ड ऑन सैंपल स्टडी. तो हमने कहा था कि भाई सेंसस ऑफ इंडिया के अंदर तो हर एक ईच एंड एवरी पर्सन का डेटा आ जाता है ना, लेकिन जो NSSO के थ्रू जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो सैंपल स्टडी के थ्रू होता है. मतलब हर एक पर्सन का ना लेके एरियाज में कुछ सैंपल चूज कर लेते हैं और उन सैंपल्स को स्टडी करते हैं, क्योंकि एरिया बहुत वास्ट होता है, बहुत बड़ा होता है. तो हर एक पर्सन से इस तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत लेंथी और कॉस्टली हो जाता है. तो NSSO जो डाटा कलेक्ट करती है डेट इज़ सैम्पल स्टडी, वो सैम्पल स्टडी की बेस होता है. और सेंसस ऑफ इंडिया जो डाटा कलेक्ट करती है वो यूनिवर्सल बेस होता है, मतलब ईच एंड एवरी पर्सन का डाटा उसमें होता है, ये दोनों के बीच डिफरेंस है. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा पब्लिश्ड एंड पब्लिश्ड, एंड एज वेल एज वी आल्सो अंडरस्टैंड टू इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंड डेटा, सेंसस ऑफ इंडिया एंड NSSO. नाउ स्टूडेंट्स, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है और इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपको अपने नोटबुक में करने हैं वो करने हैं. लाइक नंबर वन क्वेश्चन, डिफाइन डेटा, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ डेटा, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा को आप एक्सप्लेन करेंगे. डिस्टिंग बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा, दोनों को आपको डिफ्रेंशिएट करना है. नंबर थ्री, डिफाइन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच. नंबर फोर को कट कर लीजिएगा. नंबर फाइव पे आ जाते हैं, व्हाट आर द मेन मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, ये आपको बताना है. चार मेथड्स मैंने आपको बताए हैं प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के, वो एक्सप्लेन करने हैं. फिर व्हाट इज द मेन बाय डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन, फिर डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन को एज मैंने नोट्स बताए हैं उनको आपको सेम एज इट इज़
राइट डाउन करना है नोटबुक में, गिव इट्स मेरिट एंड डिमेरिट्स मैंने बताई हुई है, व्हाट इज मेंट बाय इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन ये भी मैंने बताया हुआ है, नोट्स में दिया हुआ है, ये भी आप कर लेना। फिर है व्हाट इज मेंट बाय क्वेश्चनायर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनायर एंड शेड्यूल, ये भी आप करेंगे। देन व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चनायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ये भी आपको करना है अपने नोटबुक में। फिर है व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ सेकंड डेटा, ये मैंने आज अभी आपको बताया है, सोर्सेज ऑफ सेकंड डेटा पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड फॉर्मेट में आ जाएगा। फिर है व्हाट प्रिकॉशन आर नेसेसरी टू यूज सेकंड डेटा, ये प्रिकॉशंस आपके दिए हुए हैं बैक साइड पेज पे, जब हम सेकंड डेटा को यूज करते हैं तो हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, इनमें से एनी फोर आपको करने हैं। देन डिफाइन द टर्म्स इन्वेस्टिगेटर इनुमरेटर और रेस्पोंडेंट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सारे टर्म्स आपको डिफाइन करनी है। देन व्हाट आर द मेजरमेंट एरर और रिकॉर्डिंग मिस्टेक्स, ये आपकी लास्ट टॉपिक दिया हुआ है आपके बुक में, जब हम मेजरमेंट करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा में तो क्या मेजरमेंट एरर्स होते हैं और रिकॉर्डिंग मिस्टेक्स होती है, वो आपको डिफाइन करनी है। दीज आर मेन सोर्स ऑफ एरर्स इन कलेक्टिंग डेटा, सो आई विल सेंड दिस इमेज, यहाँ से आप कर लेंगे। देन यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 15, सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड स्टैटिक इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डेमोग्राफिक चेंजेस इन इंडिया एक्सप्लेन, यहाँ पर आपको सेंसस ऑफ इंडिया को एक्सप्लेन करना है, जो मैंने अभी कराया है सेंसस ऑफ इंडिया, उसको आपको एक्सप्लेन करना है और उसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं वो एस्पेक्ट्स को भी आपको मतलब पैरामीटर्स को भी डिस्क्राइब करना है। सो क्वेश्चन नंबर 15 तक आपका होमवर्क है। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।